संजय सर, सर आ गया हो ना सर? संजय सर थोड़ा आ गया प्लीज। संजय सर बाबा आ गया ना, आ गया। अरे नया है ये अभी। नया है बाबा, नया है ये। मैम रुकिए, मैम रुकिए तो सही। मैम सारा जी, सारा मैम इधर आ, एक सेकंड। मैम आप कुछ भी बोला था सारा जी, क्या क्या झूमे तो छोड़वा पांडे हाथ भी चले। तुम्हारे बॉस की माँ का उजड़ा भाई जो जो बोलता है जो जाओ ना घर, घर पे नहीं है दिवाली है कि नहीं? जाओ ना फिर। तुम्हारे बॉस की माँ का उजड़ा भाई जो जो बोलता है जो बाबा ये फर्स्ट मार्क पे, बस बस फर्स्ट मार्क पे पहले। हाँ यही 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 call on stage the last but not the least, the most important member of the Kalang family, Balraj Chaudhary. Usool aur rishton ki hifazat karna Balraj ki pehchan hai. Main kuch awaaz se unhe bulana chahta hu. Main chahta hu ki aap log bhi mere sath chant kare. Unka ek pet name hai, bahut pyar se log unhe wo bulate hain. Kya 3-4 baar bolna padega saath mein? Can we please get the biggest baba of our industry, Sanjay Dutt? संजू सर, आपने भी आलिया के साथ काफी सीन्स किए, आपको भी नर्वसनेस हुई जैसे? हाँ बहुत नर्वस हुआ यार। सो दिस इज इट गाइस, ये हमारे कलंक की परिवार एंड अभिषेक वर्मन जो निर्देशक है इस फिल्म के, वो नहीं आ सके आज क्योंकि वो बिजी है मिक्सिंग में, पर हम लोग ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, हम लोग चाहते कि आप हमसे प्रश्न पूछे, जो भी आपके दिल में प्लीज पूछे, क्योंकि अभी आप लोग ने ट्रेलर देखा है, सारे जो कार्ड्स है खुल चुके हैं, तो जो पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है आप सबसे, ट्रेलर कैसा लगा? ओके सो या वी कैन हैव द क्वेश्चंस ओपन माइक, एनीबॉडी हैज अ माइक, योर लेफ्ट। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा, मेरा सवाल सबसे है सर, कलंक के बारे में आप तो जानते कि कुछ कलंक ऐसे होते हैं जिसका हकदार इंसान होता है, पर कुछ कलंक ऐसे होते हैं जो थोप दिए जाते हैं, तो कलंक को लेकर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? सबसे पहले संजू सर से शुरू करते हैं। सर मुझसे? जी सर। मैं तो कलंक ही हूं यार। नहीं सर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोप दिए जाते हैं सर, तो पहले आप शुरू किया था और मैंने कमाया भी, लेकिन अभी वो कलंक साफ हो गया ऐसा लग रहा है। सब अपने अपने एक्सपीरियंस। वरुण सर आपसे। नहीं, जैसे कि आपने कहा बहुत सही कहा, कलंक एक इट्स लाइक अ स्टिग्मा, और कभी कभी प्यार को भी उसके साथ एसोसिएट किया जाता है, यू नो, कभी कभी प्यार को भी वो नाम दिया जाता है कि जो लोगों को लगता है कि उनका प्यार है, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं ये कलंक है, बट हमारी जो फिल्म है दिस सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ लव, और जब आपको प्यार की शक्ति मिलती है आप कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हो मेरे हिसाब से। माधुरी मैम, कलंक अभी क्या कलंक,
है कि व्हाट वरुण धवन सेड इज वेरी ट्रू कि इस फिल्म में और डिटो बोलूंगी मैं क्योंकि इनकी कहानी ऐसी है इसमें दिखाया है कि लव कॉन्कर्स ऑल बेसिकली तो प्यार हर कलंक को मिटा देता है आदित्य सर सेम आलिया मैम सेम सेम सोनाक्षी मैम सेम टू सेम कुणाल सर यार परसों तूने थोपने की बात की ना पिछले हफ्ते मैं शूट कर रहा था तो चेस सीक्वेंस था तो एक फाइटर टेढ़ा गिरा और मैं फिसल के गिरा तो मेरे कंधे और घुटने पे कलंक आ गया वो थोपा गया था मेरे पे वो मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए वरुण सर आपको याद होगा ये जी सिने अवार्ड में आपने रणवीर सर से रणवीर सिंह और रणबीर कपूर सर से आपने बोला था कि आलिया बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उनके पास अभी फिल्में हैं इंशाल्लाह ट्रिपल आर ये वो तो आगे याद रखना कि आगे हम सबके साथ काम नहीं करेगी ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है तो ये मजाक था या आपको लगता है थोड़ा बहुत लगता है ऐसा होगा आपको क्या लगा सर आपको लग रहा है कि आप CID पे हो अभी इस तरीके से नहीं सर तहकीकात कर रहे हैं हमारे साथ कुछ तो लग रहा होगा सर आपको कुछ तो लग रहा होगा मैंने कहा था कि इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो ट्रिलॉजी है मैंने उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया था नो बेसिकली मैंने कहा था कि ये अभी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है और आगे जाके उसके पास डेट शायद नहीं होगी मेरे साथ काम करने के लिए और उस बात पे रणवीर सर और रणबीर सर दोनों हंसे तो मैंने बोला तुम दोनों हंस क्यों रहे हो आगे जाके तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा तो मेरा वो मतलब था टीम टू द टीम कलंग दिस ऑन योर राइट साइड दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फैंटास्टिक ट्रेलर थैंक यू ओके मेरा सवाल कुणाल जी आपसे है ऐसा लगता है कि आपका कैरेक्टर इज द मेजर रीजन फॉर द टर्मोइल दैट हैज हैपेंड इन द फिल्म सो आप अपने कैरेक्टर बारे में पहले बताइए प्लीज यार मैं अपना कैरेक्टर 17 को एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के साथ तो मुझे भी तभी पता चलेगा सो आई एम आल्सो नॉट श्योर इफ ही इज पॉजिटिव या नेगेटिव सच है ये सच है क्योंकि ऐसे कई दिन गुजरे हैं सेट पे पर जब कुणाल बैठे रहते थे और ही विल बी आस्किंग व्हाट इज हैपनिंग क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कुणाल एक्चुअली ही वेंट थ्रू लॉट ऑफ टर्मोइल इवन व्हाइल शूटिंग दिस फिल्म व्हिच ओनली मी एंड आदित्य नो अबाउट